पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज वोट से राजा पैदा होता है। जनता ने नहीं चुना, ये ईवीएम से आई सरकार है। ये जनता की चुनी सरकार नहीं है, ये ईवीएम से आई सरकार है। ये देश के संविधान को बर्बाद कर रही है, ये देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, ये देश के जनता के खून को पी रही है। ईवीएम हटा दो और चुनाव करा दो बैलेट पेपर से, इन्हें खुद इनके मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो चोरों की सरकार है ये बदल जाएगा। जुमलेबाजी बंद करो, जनता को रोजगार दो, रोटी कपड़ा और मकान ये चीज दे दो। शौचालय की जरूरत नहीं, अपने आप बना लेंगे। पेट भर राशन नहीं, शौचालय बना रहे। मोदी जी घंटा कैसे बजाएंगे? वो इतना भारी घंटा बजा रहे हैं तो मोदी जी घंटा ही लगेंगे। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं एक बार फिर से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ईवीएम की जो धांधली बताई जा रही है उसको लेके आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको लोग दिखा देते हैं, पूरी जनता आई हुई है, एडवोकेट्स आए हुए हैं, एक्टिविस्ट आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली की वजह से सरकार बनी है। कहा जा रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। कल एक प्रदर्शन भी हुआ था पटियाला कोर्ट की तरफ, मार्च निकाला जा रहा था जो पटियाला कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक जा रहा था। उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्वक अपना ये जो मार्च निकालेंगे, लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले थे उनको डिटेन कर लिया गया। सर, यहाँ पे आप जो ईवीएम को लेकर आए हैं कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं, तो ईवीएम के हटने से क्या हो जाएगा? ईवीएम हटने से ये जो चोरों की सरकार है ये बदल जाएगी। अगर इनमें दम है 543 सीटों पर 303 सीट जीत का है, 303 सीटों पे ही ईवीएम हटा दो और चुनाव करा दो बैलेट पेपर से, इन्हें खुद इनके मुंह की खानी पड़ेगी। ये हो जाएगा। ये चोर कहीं के, ये चोरी से डकैती से जो सत्ता में बैठे हैं, किसानों को कानून लाए उनकी समझ में नहीं आया, ट्रक ड्राइवरों को कानून लाए वो समझ में नहीं आया, GST लाए वो आज तक इनकी समझ में नहीं आई। तो ये जो जिनके मन में आता है सब कुछ कर लेते हैं, बाकी यही इनकी धांधली है। क्योंकि इनके लग रहा है कि हम जो है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। ये ईवीएम से चोरी से अब कह रहे कि सारी सीटें हमारी आ जाएगी। ये जनता वोट, हर आदमी वोट देता है, तो पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज वोट से राजा पैदा होता है। वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम लाल किले से झंडा फहराएंगे। वो तो पहले ही अपनी घोषणा कर चुके हैं कि हम लाल किले से झंडा फहराएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? इसका मतलब जैसे कि गब्बर सिंह के कोई औलाद नहीं थी लेकिन डकैती डालता था, इनके भी कोई औलाद नहीं है। ये मत सोचोगे कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ कर रहे हैं। अडानी अंबानी दुनिया भर के माफ कर रहे हैं। कहाँ से इनके बाप का पैसा है क्या? ये जनता का पैसा है। आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कि बैलेट पेपर में धांधली नहीं हो सकती, बैलेट पेपर में भी तो गड़बड़ी की जा सकती है ना? बैलेट पेपर से भी धांधली हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक डब्बे को कोई चुरा ले गया तो 19 लाख मशीनें गायब हैं। यह दो डब्बे चुरा लेगा कोई, लेकर भग जाएगा, लेकिन यह तो 19 लाख मशीनों का ही पता नहीं है। चुनाव होगा 19 लाख उनकी उनकी जो पेटियां वहां जाकर लगा देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये सरकार है ये सिर्फ धांधलीबाजी करके जीत के आती है? बिल्कुल कन्फर्म। ये देश के संविधान को बर्बाद कर रही है, ये देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, ये देश के जनता के खून को पी रही है। आप एक बात बताइए, शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, सबसे पहले शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। ये रामराज लाना चाहते, जैसे कि आप बहन बेटियों के लिए रामराज में शिक्षा का अधिकार नहीं था, धन दौलत का अधिकार नहीं था, रामराज्य में शिक्षा का अधिकार नहीं था। आप बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार कहा था? मुझे एक सावित्री बाई को फूले को छोड़ने के बाद फिर ये देश इतना अनपढ़ क्यों है? जब रामराज्य की सरकार है महिला सबसे सुरक्षित होगी। कैसे सुरक्षित थी मेरा मुद्दा बताओ? राजा राम ही सीता जी को छोड़ के भग गए थे।
अपने बेटे को नहीं पहचान पाए थे राम। आप राम राज्य से तकलीफ बता रहे हैं, वही 22 जनवरी को जो है मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, राम मंदिर बन के है। मोदी जी वो घंटा ना बजाएंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान नहीं करेंगे, शमशान कब्रिस्तान नहीं करेंगे। तो ये घंटा कैसे बजाएंगे? वो इतना भारी घंटा बजा रहे हैं कि उसे हिलाने वाले भी जो ना अलग से जाएंगे। अच्छा, तो मोदी जी घंटा ही हिलाएंगे, वो घंटा में वहां जाके बैठे मंदिर में या राज्य राज्यसभा में लोकसभा में क्या कर रहा है? यार छोड़ा यार, वो घंटा ही बजाए जाके। आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री है वो। मैं प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं कर रहा, मैं अपमान नहीं कर रहा। जब प्रधानमंत्री जी इस तरह कह रहे हैं कि भाई हम मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर में शिक्षा कौन सी मिल रही है हमें? हमें बता प्रधानमंत्री जी ने डिग्री कॉलेज कोई मेडिकल कॉलेज को तो सम्मान करना पड़ता है लोगों की आस्था होती है। वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, हम उनको अपमान नहीं बता कर रहे। हमें ये बताए तीन चार चीज, हमें एक आध ऐसी बता दो जो प्रधानमंत्री जी ने जे देश के हित में किया हो। हमें पांच चीज गिना दो, जैसे कि प्रधानमंत्री जी लाए थे क्या स्टार्टअप इंडिया, ब्लड ट्रेन, चीन को लाल आग दिखाना, ये क्या आत्मनिर्भर बन रहा है देश, एजुकेशन पॉलिसी ले आए, रोजगार दे रहे हैं तमाम लोगों को, राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? हमें राशन की क्या जरूरत है? हमें भाषण की जरूरत नहीं, हमें राशन की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है रोजगार की, हमें जरूरत है शिक्षा की। क्या दिया? 2 करोड़ रोजगार मिल गए, 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए, 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए, मेरे अकाउंट में तो आ गए। आप एक बात बताए किसके अकाउंट में 15 लाख आए? तो ये जो है जुमलेबाजी बंद करो, जनता को रोजगार दो। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ कि मोदी जी आप भाषण से ज्यादा राशन की कोशिश मत करो ना, रोजगार की, रोजी रोट कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान ये चीज दे दो। शौचालय की जरूरत नहीं, अपने आप बना लेंगे, पेट भर राशन नहीं शौचालय बना रहे, तो शौचालय की जरूरत नहीं है। जो तमाम महिलाएं ऐसे खुले में जाया करती थी, अब उनको शौचालय है, शौचालय मिल रहा है, सुविधा दी है। जो लोग एक झोपड़ी भी बना रहा है वो अपना शौचालय का इंतजाम कर लेगा, एक छोटी झोपड़ी शौचालय को भी डाल लेगा। लेकिन हमें तो रोजगार चाहिए, हमें शौचालय की जरूरत नहीं, अपना बना लेंगे हम। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं तो लग रहा है कि सरकार बदलेगी? कैसे? अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं तो लग रहा है सरकार बदलेगी? 101% सरकार, मैं कह रहा हूँ मोदी जी 50 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकते अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो। तो अगर मोदी सरकार नहीं तो फिर कौन सी सरकार? कोई भी आए, ये लोकतंत्र है, जिसे जनता चाहेगी वो आएगा, जो जिसे जनता चाहेगी वो आएगा। तो जो भाजपा सरकार है उसको भी, जो भाजपा सरकार है उसको भी जनता नहीं चुना है, तभी तो वो सत्ता में बैठी हुई है। जनता ने नहीं चुना, ये ईवीएम से आई सरकार है, ये जनता की चुनी सरकार नहीं है, ये ईवीएम से आई सरकार है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें क्या, हमको मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे माननीय है, आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। हम मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ईवीएम करा लो। क्या तमाम ऐसे आंदोलन ईवीएम को लेकर देखने को मिल जाएंगे कि तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नजर नहीं आ रहा है? अगर सरकार वोटों से चुनी हुई होती तो सरकार के कानों पर जू नहीं बल्कि हाथ ही रेंगता, क्योंकि जनता हाथी है। जब वो आए ईवीएम से तो उनके जू की रह गए उनके सर पर, तो वो उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्हें क्या उन्हें जीतना है, उनकी सरकार आनी है। जब मैं मान लो कोई बात है, मुझे पता क्या कॉन्फिडेंस, आप कह रहे हैं मेरी पूरी की पूरी सीट आएंगी, कितना कैसे कॉन्फिडेंस है? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि सारी सीटें हमारी आएंगी 24 में? मतलब लग रहा है जो इतना कॉन्फिडेंस आया ये ईवीएम की वजह से आया? बिल्कुल,
मतलब ईवीएम हट के बैलेट पेपर से चुनाव की आपकी ये मांग है? हम तो हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहे हैं, जापान में सबसे पहले ईवीएम बनी वहाँ भी बंद हो गई, अमेरिका में बंद हो गई और देशों में बंद हो गई, तो हमारे भारत में बंद हो जाएगी कौन सा फर्क पड़ जाए? और फिर ईवीएम महंगी पड़ती है, बैलेट पेपर सस्ता पड़ता है, तो हमारे देश की बचत वैसे भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका यही मानना है कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कि बाहरी देशों में जब ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं तो इंडिया तक में क्यों ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है? जो सरकार है जो इतने दावेबाजी कर रही है कि 2024 में हम ही आएंगे, ये सिर्फ ईवीएम की वजह से ही आ रही है। और सरकार का ये भी कहना है कि अगर एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम ऐसे आंदोलन होते रहते हैं, बाकी इस पर आपकी क्या राय है कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरामैन के साथ मैं नूरजहां, जनतावा।